दोस्तों नमस्कार। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी में 245 रन बनाए थे। केएल राहुल ने शतकीय पारी खेली। इसके जवाब में साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 408 रन बनाए। डीन एलगन ने 185 रन बनाए। मार्को यानसन ने नाबाज 84 रन बनाए। भारतीय टीम दूसरी पारी में महज 131 रन पर ही सिमट गई। कोहली और गिल दोहरे अंक तक पहुंचने वाले खिलाड़ी रहे। आइए जानते हैं भारत की हार के कारण। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच तीसरे दिन ही समाप्त हो गया। साउथ अफ्रीका ने भारत को पारी और 32 रन से करारी हार दी। भारत का साउथ अफ्रीका में सीरीज जीतने का सपना अब और बढ़ गया है। रोहित ब्रिगेड भी 31 साल बाद भी सीरीज जीतने में असफल रहेगी। टीम इंडिया की हार की सबसे बड़ी वजह उनके बल्लेबाजों का खराब प्रदर्शन रहा है। पहली और दूसरी पारी को मिलाकर देखा जाए तो 13 बल्लेबाज दोहरे अंक के स्कोर तक भी नहीं पहुंच पाए। इसमें कप्तान रोहित का भी नाम शामिल रहा। रोहित ने पहली पारी में 5 रन और दूसरी पारी में खाता तक नहीं खोल सके। दूसरी पारी में मात्र 2 बल्लेबाज ही दहाई के अंक तक पहुँच सके। शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी में लाइन लेंथ की कमी देखने को मिली। प्रसिद्ध कृष्णा के टेस्ट डेब्यू को विपक्षी खिलाड़ी ने न भूलने वाला बना दिया। साउथ अफ्रीका बल्लेबाजों ने कृष्णा के विरुद्ध जमकर रन बनाए। कृष्णा ने 20 ओवर में 93 रन खर्च किए। वहीं शार्दुल ठाकुर ने 19 ओवर में 191 रन खर्च किए। हालांकि दोनों को एक एक विकेट मिला। साउथ अफ्रीका के डीन एलगन ने अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाया। एक छोर संभालते हुए एलगन ने 185 रन की पारी खेली। भारतीय गेंदबाज उन्हें आउट करने के लिए परेशान दिखे। एलगर की पारी के बदौलत ही साउथ अफ्रीका को पहली पारी में 163 रन की बढ़त हासिल हुई थी। बाद में गेंदबाजों ने भारतीय पारी को 131 रन पर समेट दिया। दोस्तों क्रिकेट की खबरों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।